अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस कैन बी अ साइन ऑफ कैंसर। ये छोटा सा वीडियो मैं इसी चीज़ पे बना रहा हूँ कि कई बार हम लोग किसी व्यक्ति को देखते हैं कि अरे ये बहुत पतला हो गया, और वो व्यक्ति शायद अपने आप पे इतना ध्यान नहीं दे रहा होता, उसको लगता है कि शायद ये ऐसे ही मैं पतला हो रहा हूँ। तो इस छोटे से वीडियो का पर्पस ये है कि अनइंटेंशनल अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस कैन बी अ साइन ऑफ कैंसर। अनइंटेंशनल और अनएक्सप्लेन्ड का मतलब क्या है? अनइंटेंशनल और अनएक्सप्लेन्ड का मतलब है कि वो व्यक्ति अपना खाना नॉर्मल खा रहा है, वो व्यक्ति कोई ऐसा खास प्रोग्राम, डाइटरी एक्सरसाइज प्रोग्राम नहीं कर रहा, वो अपनी दिनचर्या वैसे ही कर रहा है जैसे वो कर रहा था, बट अब उसके कपड़े ढीले हो रहे हैं, उसका वेट लॉस हो रहा है। और वेट लॉस की भी डेफिनेशन है, ये नहीं कि 1 किलो वेट लॉस हो गया, वेट लॉस का मतलब है 10% वेट लॉस, यानी कि कोई 60 किलो का था तो 6 किलो, 70 किलो का था तो 7 किलो। ये जो अनएक्सप्लेन्ड अनइंटेंशनल वेट लॉस है, दिस कैन बी अ साइन ऑफ कैंसर, एंड नॉट जस्ट कैंसर, एडवांस्ड कैंसर। हम अक्सर देखते हैं, आप भी देखते हैं कि कैंसर पेशेंट्स के जो आप अगर उन पेशेंट्स को देखेंगे, बड़े पतले पतले हो जाते हैं, उनके हाथ पतले हो जाते हैं, उनके पांव पतले हो जाते हैं, पतले दुबले से होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक तकलीफ होती है, उसको बोलते हैं कैंसर केकेक्सिया। कैंसर केकेक्सिया जो होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम जो भी खाना पीना करते हैं तो वो शरीर को लगता नहीं है। शॉर्ट में, देसी भाषा में यही समझाना चाहूँगा, टेक्निकल भाषा में मैं नहीं जा रहा हूँ। सो कैंसर केकेक्सिया के अंदर जितना मर्जी हम फोर्स फीडिंग भी कर लें, पेशेंट को बोल दें तुम खाओ, चाहे पाइप लगा के खाना खिला दें, उसका वेट गेन नहीं होता, बिकॉज स्टेज फोर में शरीर में ऐसे केमिकल सिक्रीट होते हैं जो कि उस खाने को सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। सो मसल मास होता, लॉस होता है। तो कैंसर केकेक्सिया जब अगर है तो उसका ट्रीटमेंट खाली खाना नहीं है, उसका ट्रीटमेंट है कैंसर का ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद अ वेरी टेक्निकल डाइट प्लान जो कि डाइटिशियंस और डॉक्टर्स साथ में बैठ के बनाते हैं। सो द पर्पस ऑफ दिस वीडियो बेसिकली इज़ कि हम वेट लॉस अगर अनएक्सप्लेन्ड है, अनइंटेंशनल है, स्पेशली लेडीज़ में, बहुत ज़्यादा खुश ना हो, जांच करा लें, कहीं कुछ और ना निकल रहा हो, कहीं कोई हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो रहा हो, कहीं कोई और तकलीफ ना हो, कहीं कोई कैंसर ना हो।